है वेलकम बैक। आई एम धर्मेंद्र सर फ्रॉम डीएस इंस्टीट्यूट डॉक्टर मुखर्जी नगर दिल्ली। मेरे प्यारे दोस्त, आज मैं बहुत सारे चीज़ों को लेकर के आया हूँ आपके लिए फ्यूचर टेंस के बारे में। तो मैं आपको आज सिंपल फ्यूचर टेंस पढ़ा रहा हूँ। बहुत सारे बच्चों ने डिमांड किया कि सर सिंपल फ्यूचर टेंस नहीं आता, तो सिंपल फ्यूचर टेंस के बारे में आज मैं डिटेल बात करूंगा। देखते हैं पढ़कर के इसको कि सिंपल फ्यूचर टेंस कैसे पढ़ा जाता है और क्या होता है। बेसिकली मैं बात करूँ तो फ्यूचर में कोई भी काम आप करते हो, फ्यूचर का क्या होता है? बेसिकली एक फ्यूचर प्लान होता है, फ्यूचर प्लान एक्शन। भविष्य में कोई काम करते हो, फ्यूचर का प्लान होता है। अगर फ्यूचर में प्लान का दो चीज़ है, जैसे आप भविष्य में, मैं आप बोलते हो मैं पढ़ूंगा, मैं जाऊंगा, मैं खाऊंगा, मैं पीऊंगा। बचपन से आपने पढ़ा है जिसके अंत में गा गे गी, उसे फ्यूचर टेंस कहते हैं। यही ने पढ़ा आपने। अब थोड़ा सा वाक्य यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि गा गे गी मतलब फ्यूचर टेंस। अब यहाँ पे ध्यान ये दो, अब मैं आपको दो बात सिखा रहा हूँ। जैसे मान लो एक वाक्य ले रहा हूँ, आपका आप और आपका मित्र, दो व्यक्ति आप रहते हो दिल्ली में। अब दोनों व्यक्ति रहते हो दिल्ली में, आपके पास 10,000 रुपया घर से तुरंत करंट आया था, 10,000 रुपीज अपने पॉकेट में रखा, और आपका जैसे ही मित्र, जैसे ही पैसा आया था वैसे ही आपका मित्र आया, पड़ोसी जो बगल वाले कमरे में रहता था, उसने बोला यार एक काम करो मुझे 2,000 रुपया दे दो, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, अर्जेंटली मुझे लैंडलॉर्ड को देना है। आपने क्या करा कि 2,000 रुपया तुरंत निकाला, हां जी लो। अब 10 दिन बाद पैसे खत्म हो गए, आप गए उसके पास, आपने कहा भाई वो 10,000 रुपये मुझे दो जो तुम्हें दिया था, 2,000 रुपये मुझे दो, जो 10,000 में से जो आपने 2,000 दिया था मुझे 2,000 वापिस करो। उसने कहा अरे दे दूंगा, तुम भी क्या पीछे लगे हो, दे दूंगा। आपको लगा दे ही देगा, पड़ोसी कहां जाएगा। फिर आपने 10 दिन बाद फिर गए मांगने के लिए कि भाई वो 10,000 रुपये दो ना जो दिए थे। फिर वही बात दोहराया, अरे दे दूंगा, तुम भी पीछे पड़ो यार, दे दूंगा, दिया नहीं अभी तक। तीसरी बार आपके दिमाग में आया यार देता नहीं है, दे दूंगा। सुनना मेरी बात को, बहुत ही इंपॉर्टेंट समझा रहा हूं आपको, गौर सुनना। फिर तिवारे गए आप, यार वो पैसे 2,000 दो ना मुझे, अरे दे दूंगा। अब चौथी बार आपसे बर्दाश्त नहीं हुआ, आपने कहा इस बार अगर बोला कि दे दूंगा तो पकड़ लूंगा, कब देगा, किस दिन देगा। अब आप गए उसके पास, बोले यार वो पैसा 2,000 रुपया दो, उसने कहा दे दूं, पकड़ लिया, कब देगा। अब इसका मतलब दे दूंगा का मतलब क्या हुआ, नहीं दूंगा। दे दूंगा का मतलब गा, गा का कभी अंतिम पॉइंट है क्या, यानी फ्यूचर है नो, फ्यूचर हैज नो एंड, फ्यूचर का अंत कभी है ही नहीं। वेन एवर वी यूज दिस टेंस देयर मस्ट बी बाइंडिंग अपॉन द फ्यूचर, यानी फ्यूचर पर आप बाउंड्री लगाओ, बिकॉज फ्यूचर हैज नो एंड, क्योंकि फ्यूचर कभी अंत नहीं होता। तो फ्यूचर अंत नहीं होता तो एक बाउंड्री लगाएंगे, और बाउंड्री क्या लगाएंगे, टाइम दे करके। सपोज आपको कलम खरीदना है, आप कलम खरीदने के दुकानदार के पास जाओ, आप बोलो भैया कलम देना, पैसे दे दूंगा, पैसे दे दूंगा। बोलो दुकानदार कलम देगा क्या, नहीं देगा, क्योंकि दे दूंगा का मतलब नहीं दूंगा, दे दूंगा का मतलब नहीं दूंगा, यानी आपने कहा दे दूंगा मतलब अंदर से चल क्या रहा है, नहीं दूंगा। अगर आप उसको ये बोलोते भैया पैसा छूट गया, मैं पैसे शाम में दे दूंगा, मैं पैसे कल दे दूंगा, हो सकता है कि दुकानदार आपको कलम दे दे। मैं समझाना क्या चाहता हूं, फ्यूचर टेंस सिर्फ गा गे गी पढ़ने से काम नहीं चलना, आपके अंदर वो क्रक्स चाहिए, वो आइडियाज चाहिए, तब आप इसका प्रयोग करोगे। यानी कि मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा जब तुम मुझसे मिलने आओगे, मैं तुम्हारा वेट करूंगा जब तुम मेरे पास आओगे। डबल क्लाउज होना चाहिए, सिर्फ मैं पढ़ूंगा, मैं जाऊंगा, आई विल गो, आई विल सीट, आई विल रीड, आई विल प्ले, इतना तो यार अंग्रेजी तुम्हें भी आता होगा। उसके लिए मैं धर्मेंद्र सर क्यों आ रहे हैं, धर्मेंद्र सर आए हैं तो कुछ तूफान लेकर ही आए होंगे, धर्मेंद्र सर आए कुछ प्लान लेकर आए होंगे। यानी फ्यूचर प्लान के साथ अगर जो एक्शन होगा, तो एक्शन में अगर तुम्हारा फिक्स होगा, फ्यूचर प्लान में एक्शन अगर फिक्स होगा और यहां पे नॉट फिक्स होगा, तो अगर फिक्स होगा तभी आप इसको फिक्स में ध्यान देना, यहां पे प्रेजेंट टेंस का काम करना, और नॉट फिक्स होगा तो यहां पे सिंपल
फ्यूचर का प्रयोग करना, ये पीछे हमने एक वीडियो बनाया होगा। यहाँ पे सेकंड थिंग की बात करें, फिक्स का मतलब होगा प्रधानमंत्री अमेरिका जाएंगे, फिक्स एक्शन है, लेकिन मैं कल अमेरिका जाऊंगा ये मेरे लिए फिक्स एक्शन है, लेकिन ये पर्सनल एक्शन है। तो जो काम पर्सनली होगा यहाँ पे इसका हमने वीडियो पीछे दिया होगा लिंक में, इसको आप देख लेना। सेकंड फेज में ये देखें हम लोग कि फ्यूचर सिंपल की बात करें तो जब कोई एक्शन यानी फ्यूचर हैज नो टाइम, इसके लिए आपको समझना क्या है कि जब भी फ्यूचर में प्रयोग करें, फ्यूचर जब प्रयोग करें तो आप कह सकते हो कि फ्यूचर हैज नो, फ्यूचर हैज नो टाइम, फ्यूचर के पास कोई समय नहीं होता है। सो मस्ट बाइंडिंग अपॉन द फ्यूचर, यानी फ्यूचर पर आप क्या करें, बाउंड्री लगाएं, एक बाउंड्री लगाएं, जैसे मैं तुमसे कल मिलूंगा, मैं वहां कल जाऊंगा, तो जब मैं तुमसे कल मिलूंगा कल जाऊंगा तब आप इसका प्रयोग आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि फ्यूचर कोई अपने आप में टाइम नहीं है। आप एक किताब खरीदे, किताब पर आपने कह दिया, मान लो कि यह एक किताब है, ये DSL का बुक्स है, आपने कहा इसको खरीद लिया, मैं आपने कहा यार मैं इसको पढ़ूंगा, आपने DSL का बुक खरीद लिया, आपने कहा पढ़ूंगा, तो पढ़ूंगा का मतलब यह हुआ कि आप कभी नहीं पढ़ेंगे उसको, यानी पढ़ूंगा मतलब नहीं पढ़ोगे, तो पढ़ूंगा मतलब नहीं पढ़ोगे। लेकिन अगर आपने कहा कि मैं कल से पढ़ूंगा, तो इसका मतलब है कि आपके दिमाग में कहीं ना कहीं है तो पर्सनल एक्शन, लेकिन कहीं ना कहीं दिमाग में है कि आप उसको पढ़ोगे। क्लियर हो गया, यहां तक बात समझा हमने। अब देखते हैं कि सिंपल फ्यूचर के लिए स्ट्रक्चर क्या होता है। तो सबसे पहले आप स्ट्रक्चर पर ध्यान दीजिए, मैं स्ट्रक्चर पर लिख देता हूं, ध्यान दीजिएगा इस पर। अब देखिए हमने स्ट्रक्चर आपको लिख दिया, हमने कहा सब्जेक्ट प्लस विल सेल बी वन प्लस अदर वर्ड। अब प्रश्न उठता है कि सर विल कहां लगाएंगे, सेल कहां लगाएंगे, तो अभी मैं बताऊंगा आपको, पहले आप समझिए। तो विल सेल प्लस बी वन प्लस अदर वर्ड, इन सब के साथ अगर आप चाहें तो सिंपल यहां पे कोई ना कोई कंजंक्शन लगा दीजिए, कंजंक्शन के बाद सब्जेक्ट प्लस वी वन या वी फाइव का प्रयोग आप कर सकते हैं, इनके साथ प्रेजेंट टेंस का तड़का लगा सकते हैं। जैसे हमने कहा मैं तुमसे कल मिलूंगा, आई विल मीट यू टुमारो, आई विल मीट यू टुमारो, मैं कल तुमसे नहीं मिलूंगा, आई वॉन्ट, आई विल मीट यू टुमारो, तो आई वॉन्ट भी कह सकते हैं या आई शैंट भी कह सकते हैं, आई विल भी कह सकते हैं, आई शैल भी कह सकते हैं। अभी जस्ट बताऊंगा कि विल और शैल लगाते कहाँ हैं। जैसे मैं कहा आई शैल मीट यू टुमारो, आई विल मीट यू टुमारो, आई वॉन्ट मीट यू टुमारो, आई शैंट मीट यू टुमारो, तो विल प्लस नॉट को हम लोग वॉन्ट बोलते हैं और शैल प्लस नॉट को हम लोग शैंट बोलते हैं। तो आई वॉन्ट मीट यू टुमारो, विल आई मीट यू टुमारो, क्या मैं तुमसे कल मिलूंगा, विल आई मीट यू टुमारो, वॉन्ट आई मीट यू टुमारो, शैल आई मीट यू टुमारो, शैंट आई मीट यू टुमारो, वाई शैल आई मीट यू टुमारो, मैं कल तुमसे क्यों मिलूंगा, तो वाई शैल आई मीट यू टुमारो, Why shan't I meet you tomorrow? मैं तुमसे कल क्यों नहीं मिलूंगा। एक स्ट्रक्चर, अंग्रेजी का बेस क्या है, स्ट्रक्चर। अगर एक स्ट्रक्चर हो तो आप हजार एग्जाम्पल बना सकते हो। अब देखते हैं कि विल और शैल का यूज क्या करते हैं, फिर मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दूंगा तब आप बेहतर काम कर पाओगे पहले स्ट्रक्चर के साथ। देखो बच्चे क्या करते हैं, शैल का प्रयोग कहां करना है वो जान लो पहले। शैल का दो तरह से प्रयोग करना, शैल का प्रयोग करना फर्स्ट पर्सन के साथ, शैल का प्रयोग कहां करना फर्स्ट पर्सन के साथ, कब, जब नॉर्मल सेंटेंस हो, जब नॉर्मल सेंटेंस हो, नॉर्मल कोई फ्यूचर एक्शन हो तो शैल का प्रयोग कहां करना फर्स्ट पर्सन के साथ, फर्स्ट पर्सन का मतलब हुआ आई और वी के साथ। क्लियर हो गया, शैल का यूज करना सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ भी, सेकंड प्लस थर्ड पर्सन के साथ भी शैल का प्रयोग कर सकते हो, तो कब, जब सेंटेंस का सेंस प्रॉमिस हो, थ्रेट हो, प्रॉमिस थ्रेट एंड डिटर्मिनेशन हो, जब सेंटेंस का सेंस प्रॉमिस हो, थ्रेट हो, डिटर्मिनेशन हो, तो उस केस में सेल का प्रयोग सेकेंड और थर्ड का साथ कर सकते हो। बेसिकली इस केस में पैसिव वॉइस के साथ प्रयोग होता है, पैसिव वॉइस के साथ स्ट्रक्चर इसका हो जाता है। इस केस में आप स्ट्रक्चर देख सकते हो, सब्जेक्ट प्लस शैल बी प्लस वी थ्री अदर वर्ड। आप कह सकते हो यू शैल बी किल्ड, यू शैल बी किल्ड। अब बोलो यहां पे थ्रेट धमकी हुआ कि नहीं हुआ, यू शैल बी किल्ड, यू शैल बी किल्ड। स्ट्रक्चर हो गया शैल बी प्लस वी थ्री प्लस अदर वर्ड, यू शैल बी किल्ड,
यू शैल बी अपॉइंटेड का प्रयोग आप कर सकते हो। तो हमने कह सकता है यू शैल बी अपॉइंटेड, शी शैल बी अपॉइंटेड, सी शैल बी रिवार्डेड, यू शैल बी रिवार्डेड। ऐसे भी आप ध्यान देना कि सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ हम शैल का प्रयोग तब करते हैं जब प्रॉमिस हो, जब धमकी देना हो, तब नॉर्मल केस में आई शैल मीट यू, ही शैल, है ना, आई शैल मीट यू, वी शैल मीट यू, तो आई और वी के साथ हम लोग शैल का प्रयोग करते हैं। अब देखते हैं आप विल का प्रयोग, यहां पे विल देख लीजिए आप, तो आई समझ में आ गया, ये सबको स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। अब देखो विल का प्रयोग कहां करना, तो विल का प्रयोग करना सेकेंड प्लस थर्ड पर्सन के साथ। विल का प्रयोग कहां करना, सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ। किस केस में सर, तो नॉर्मल केस में, नॉर्मल कंडीशन, जब सेंटेंस नॉर्मल हो तो विल का प्रयोग सेकेंड और थर्ड के साथ करिए। विल का प्रयोग आप कर सकते हो फर्स्ट पर्सन के साथ, कब सर, तो आप कर सकते हो जब सेंटेंस का सेंस प्रॉमिस हो, प्रॉमिस हो, थ्रेट हो, या फिर डिटर्मिनेशन हो, प्रॉमिस, थ्रेट और डिटर्मिनेशन। इस केस में सब्जेक्ट प्लस, विल प्लस, वी वन प्लस, अदर वर्ड। तो नॉर्मल केस में जैसे आपने कहा आई विल किल यू, आई विल किल यू, तो हमने क्या किया, धमकी दिया, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, आई विल किल यू, है ना। आपने कहा आई विल मीट यू टुमारो, तो आपने प्रॉमिस किया, धमकी दिया, तो हमने कहा फर्स्ट पर्सन के साथ विल का प्रयोग लगा सकते हैं, कब, जब प्रॉमिस हो, थ्रेट हो, डिटर्मिनेशन हो। अब आपको एक नॉर्मल सेंस दूं, तो नॉर्मल सेंस क्या कहता है वो ध्यान दीजिए, विल का प्रयोग आप कहीं भी कर सकते हो, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन या थर्ड पर्सन के साथ। विल का प्रयोग कहीं भी करो, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, जब सेंटेंस का सेंस क्या हो भाई, तो सेंटेंस का सेंस जो है वो होना चाहिए असर्शन, यानी कि अगर आप, असर्शन का मतलब होता है जोर देना, जब आप जोर देने की बात कर रहे हो, जोर देना या बल देना, तो उस केस में विल का प्रयोग फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड किसी भी पर्सन के साथ कर सकते हो। आई विल मीट यू, ही विल मीट मी, शी विल मीट मी, आई विल गो देयर, शी विल कम हेयर, ही विल कम हेयर, तो कहीं भी जो मन करता हो आप विल का प्रयोग कर सकते हो। शैल का प्रयोग कम किया जाता है, वैसे शैल का प्रयोग आई और वी के साथ कहीं भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, बट अब ज्यादातर विल और शैल में कोई भी एरर कम पूछे जाते हैं या नहीं पूछे जाते हैं, तो विल शैल में कोई खास एरर नहीं होता। अब इसके कंडीशन की बात करते हैं, आगे चलते हैं। अब यहां पे हमने प्रयोग क्या किया, तो आप कभी भी ध्यान देना विल और शैल जो फ्यूचर होता है, यहां पे आप इफ कंडीशन के साथ, यानी ये दोनों सेंटेंस देगा फ्यूचर का, सेंटेंस देगा फ्यूचर का, तो आप फ्यूचर के साथ प्रेजेंट का तालमेल कर सकते हो। कब भाई, कंडीशनल के साथ, कि यदि तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाऊंगा, इफ यू कम टू मी आई विल टीच यू इंग्लिश, ए तुम आगरा जाओगे ताजमहल देखोगे, इफ यू गो टू आगरा यू विल सी द ताजमहल, मैं उनसे बात करूंगा, आई विल टॉक टू हिम इफ ही मीट्स मी, तो हमने कहा मैं उनसे बात करूंगा यदि वो मुझसे मिलेंगे, तो यदि यहां लगा हुआ इफ, तो ध्यान देना इसके साथ कभी भी इफ का प्रयोग नहीं होगा, विल सेल के साथ कभी भी इफ का प्रयोग नहीं होगा, ये ध्यान देने वाली बात है। तो मैं उनसे बात करूंगा यदि वह मुझसे मिलेंगे, तो यदि क्या हो गया, इफ ही मीट्स मी, यदि वह मुझसे मिलेंगे, आई विल टॉक टू हिम, आई विल टॉक टू हिम, तो आई विल टॉक टू हिम इफ ही मीट्स मी, इफ ही मीट्स मी आई विल टॉक टू हिम, तो आप जैसे मर्जी करे उछल के पुछल के आगे पीछे बोल सकते हो, डरने की बात नहीं है। यदि तुम आगरा जाओगे, इफ यू गो टू आगरा, इफ यू गो टू आगरा, तो तुम ताजमहल देखोगे, यू विल सी द ताजमहल, हमने कहा इफ यू गो टू आगरा यू विल सी द ताजमहल, तो इसका प्रयोग आप आसानी से कर सकते हो। ये हमने स्ट्रक्चर दिया, आप हजार जन बोलो इफ यू मीट मी, यदि तुम मुझसे मिलोगे, आई विल टीच यू इंग्लिश, मैं तुम्हें जी पढ़ाऊंगा, यदि तुम उसके पास जाओगे तो वह तुम्हें पीटेगा, इफ यू गो टू हिम ही विल बीट यू, पास में लो, ही विल बीट यू इफ यू गो टू हिम, यदि तुम दिल्ली आओगे तो मुझसे मिलोगे, इफ यू कम टू दिल्ली
यू विल मीट मी, तो जितना दिमाग में आए, व्हाट एवर कम्स योर माइंड, हजारों सेंटेंस आप बना सकते हैं, इसको आप ध्यान देना, ये सेंटेंस आपके लिए बहुत आसान है। फ्यूचर टेंस कोई बड़ा टफ टेंस नहीं है, आप इसके लिए आसानी से आप प्रयोग कर सकते हो। बस एक छोटी सी और काम कर लो कि आप फ्यूचर के साथ इसका आप चाहो तो आप पैसे भी आसानी से बना सकते हो। बस देखते चलो करना क्या है, बस एक सेकेंड काम करना है विदाउट बलवा के, जैसे हमने कहा सब्जेक्ट प्लस विल हो या सेल हो, विल हो या सेल हो के साथ बी लगा दो, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दो, पैसिव वर्ब होगा। जैसे हमने कहा तुम्हें इनाम दिया जाएगा, यू विल बी रिवार्डेड, यू शैल बी रिवार्डेड, तो अगर कंपलसरी है तो शैल का प्रयोग भी कर सकते हो। तुम्हें इनाम दिया जाएगा, यू विल बी रिवार्डेड, उसे अपॉइंट किया जाएगा, ही विल बी अपॉइंटेड, उसे मार दिया जाएगा, ही विल बी किल्ड, मुझे इनाम दिया जाएगा, आई शैल बी रिवार्डेड, मुझे प्रोत्साहित किया जाएगा, आई शैल बी इनकरेज। तो आप जितने सेंटेंस चाहो उतने आप बोल सकते हो, जो दिमाग में आए आप बोल सकते हो, आपके लिए अंग्रेजी क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ही विल बी किल्ड, ही शैल बी किल्ड, जो मन करता हो बस बोलो, डरने की बात नहीं है। बस फ्यूचर में ध्यान देना है कि विल और शैल से एरर नहीं पूछे जाते, ज्यादातर बिल लगा सकते हैं आप, शेल लगाओ कोई इशू नहीं है। और मुझे भरोसा है कि इस टेंस को आप सीख लिए, जहां जरूरत पड़ता है दोबारा देखो, तिबारा देखो, और हर बच्चे को इस फ्यूचर को शेयर करो, और जो हमने कहानी बताया उसको फॉलो करिए, और पूरे भारत में इस चीज को क्रांति की तरह फैलाइए, आग की तरह फैलाइए, हर बच्चे को टेंस आना चाहिए, और ये मेरा कामना है, शुभकामना है। पूरा का पूरा वीडियो देखने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद, और पूरे भारत में फैलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, फिर से मिलते हैं अगले क्लास में।